वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एस हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या, ऐसे पता चलता है कि पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, देन एक्स और देन कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, टू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वन। वन कैसे, अब यहाँ पर जो है ये टर्म है, टर्म में हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर होता तो उसको क्या कहते हैं, हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यू होनी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर वन होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर है। तो हम यहाँ पर फोर लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स किसके इक्वल होता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखने लगे हैं माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाय टू है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, माइनस का माइनस आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास वन है तो वन पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास वन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस फोर का फोर। ए की वैल्यू हमारे पास टू है तो यहाँ पर टू पुट कर लेते हैं, और सी की वैल्यू हमारे पास फोर है तो हम यहाँ पर फोर पुट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू का टू, और ए की वैल्यू है टू तो यहाँ पर हम टू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वन का माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर किसके इक्वल है, वन के, माइनस का माइनस, फोर टू ज़ार एट, और एट फोर ज़ार हमारे पास क्या होता है, 32। तो हम यहाँ पर 32 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 2 2 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन प्लस माइनस वन में से 32 को माइनस करें, प्लस माइनस होता माइनस है, साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। तो 32 में से 1 को माइनस करें, 31 आता है, होगा माइनस, साइन कौन सा आएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा है कि ये बड़ा, 32 बड़ा, उससे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये माइनस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज वी नो कि हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एज वी नो द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव देयरफॉर देयर इज नो रियल सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख देना, समझ आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास क्या था, इक्वेशन थी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी। तो हमने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया, ए की वैल्यू लिखी, बी की और सी की लिखी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज को पुट किया, और देन हमारे पास ये आ गया। तो हमने बता दिया कि स्क्वायर ऑफ नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो रियल सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का नहीं है हमारे पास। ठीक है, आपने कैप्चर करना तो आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमने इसको सॉल्व किया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया और हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर माइनस नहीं था। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक दफ़ा प्लस का लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा था तो इसको किया, और फिर ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया है, और देन इसकी जो है ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो है सॉल्यूशन जो है रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हमने बता दिया, यहाँ पर रीज़न बता दी।
होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।